love yourself. Hello, how are you all? I hope you all are doing beautifully well. आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज होंगे इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर। आपके हेयर फॉल से रिलेटेड है ये वीडियो, कि हेयर फॉल आखिर क्यों होता है और हमारा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, इस वीडियो को बिल्कुल 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 एंड तक देखना, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जाएंगे पूरी तह तक कि आखिर आपका हेयर फॉल आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है और आप कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आपका पीछा छोड़ेगा भी नहीं हेयर फॉल। अगर चैनल पे न्यू है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी करना लाजमी है अगर पसंद आए तो, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी जैसे ह्यूमन साइकिल होती है, वैसे ही हमारे हेयर फॉलिकल साइकिल भी होती है। इसकी दो स्टेज होती है, ग्रोइंग स्टेज होती है, एक शेडिंग स्टेज होती है। शेडिंग स्टेज वो होती है जिसमें हेयर फॉल होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और ग्रोइंग स्टेज वो होती है जिसमें बाल ग्रो करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। अब जो हेयर फॉल हो रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, वही आज इस वीडियो में होगा डिस्कस। बालों के लिए कॉम का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या जो चूज कर रहे हैं कॉम वो सही नहीं है, तो आपका हेयर फॉल पक्का है, क्योंकि आप कॉम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं सही वाला। अगर उसकी बेसिस बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो वो आपके हेयर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आपकी स्कैल्प को इरिटेशन किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। अगर आपकी स्कैल्प इरिटेट होगी तो आपके हेयर फॉल पक्का होगा। तो आपका हेयर ब्रश बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो, और अगर आपके पास हेयर ब्रश नहीं है तो वुडन हेयर ब्रश आप यूज कर सकते हैं, वुडन कॉम यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा आपके बेटर रहेगा। लाइफस्टाइल की अगर बात आती है तो आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा गड़बड़ाया हुआ है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका हेयर फॉल ना हो, तो नजीरा ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हेयर फॉल तो पक्का है और आप खुद अपने हेयर फॉल को इनविटेशन दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो 12 बजे से 4 बजे तक का टाइम होता है सोने का, उसमें आप सो नहीं रहे हैं, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, और आपकी डाइट में बहुत ज्यादा गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, कार्ब्स नहीं है और आयरन नहीं है, जिसकी वजह लाइफस्टाइल एकदम लहर चुका है। न्यूट्रिएंट्स की कमी होने से हमारा जो हेयर फॉल होता है वो पक्का होता है। हमारी पूरी हेयर फॉलिकल की जो साइकिल होती है, पूरी लाइफ जो होती है हेयर की, वो डिपेंड करती है हमारे लाइफस्टाइल से। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो लाइफस्टाइल अपना चेंज कर दीजिए, तो आपका पीछा हो सकता है हेयर फॉल छोड़ दे। थर्ड है हमारा शैम्पू रूटीन। अगर आपका शैम्पू रूटीन बिल्कुल भी गड़बड़ है तो आप खुद इन्विटेशन दे रहे हैं अपने हेयर फॉल को, और उस टाइम आप इन्विटेशन देते भी हैं, क्योंकि अगर आप अपने शैम्पू करते समय डांस करवा रहे हैं अपने बालों को तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आपने इन्विटेशन दे दी है हेयर फॉल को। कैसे दी है? क्योंकि हम जब शैम्पू करते हैं तो हमारे बाल होते हैं बहुत ज्यादा वीक, तब हम उसको डांस करवा रहे हो और उसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप शैम्पू कर रहे हैं तो प्लीज उसको पैम्पर करिए, ना कि उसको एकदम डिस्को वाला डांस करवा दीजिए, ठीक है, क्योंकि उससे होता है हेयर फॉल। और अगर आपको हेयर फॉल कम करना है तो शैम्पू का रूटीन आपको चेंज करना होगा। हेयर फॉल की बात हो और हीटिंग टूल्स की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है और आप हीट पे हीट लिए जा रहे हैं, अपने बालों में से धुआं उड़वाते जा रहे हैं, तो भाई पक्का है हेयर फॉल होगा। रेमेडी फॉलो कर लो, कोई भी शैम्पू चेंज कर लो, हेयर फॉल तो पक्का है, डेफिनेटली होगा। जस्ट बिकॉज अगर आप अपने बालों पे ओवर हीट कर रहे हो तो धन्य है आप, ठीक है। तो प्लीज अपने बालों को थोड़ा सा हीटिंग से दूर रखिए, जैसे मैं बोलती रहती हूँ केमिकल से जैसे दूर रखने, वैसे हीट प्रोसेस से भी दूर रखिए, क्योंकि जब आपके बालों में बहुत ज्यादा हीट लगती है तो आपके बाल हो जाते हैं एकदम रद्दी, तो प्लीज उससे दूर रहिए। ऑयलिंग की अगर बात आती है तो आप सोच रहे होंगे ये क्या बता रही है, ऑयलिंग करने से तो बाल हमारे शाइनिंग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, बहुत स्मूथ हो जाते हैं, मेरे भी हो जाते हैं, सबके हो जाते हैं, लेकिन एक्सेस ऑयलिंग करने से आपको पता है आपके हेयर फॉल ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज एक्सेस इनटेक ले रहे हैं या ज्यादा ऑयलिंग कर रहे हैं तब भी हमारे हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑयल करके एकदम भूल जाते हैं कि मेरे बालों में तेल लगा हुआ है, और 6 से 7 दिन ऐसे ही पड़े रह देते हैं कि नहीं नहीं और बड़े हो जाएंगे बाल, और अच्छे हो जाएंगे। लेकिन उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगी कि अलर्ट हो जाइए, उससे बाल अच्छे नहीं होते, उससे बाल और डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और उसका बन जाता है एकदम कचरा। अगर आप एक्सेस ऑयलिंग करेंगे तो आप एक्सेस लेवल पे शैम्पू करेंगे, 2 गुना ज्यादा आपको शैम्पू करना पड़ेगा, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गंदे हैं, पसीने में एकदम लथपथ है, पसीना टप 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 टपक रहा है, या आप जिम से आए हैं या कहीं से आए हैं और आपने क्या किया,
इतनी खूबसूरत चीज कर ली, जाके ऑयल लगा लिया या कोई मास्क ट्राई कर लिया, भाई हो गया कमाल यहाँ पे। क्योंकि कमाल इसलिए हो गया क्योंकि आपने कर दी यहाँ पे गलती। अगर आप अपने गंदे बालों में कोई मास्क इस्तेमाल कर लेंगे या ऑयलिंग कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो आपके बाल हो जाएंगे डैमेज, कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं बोलती हूँ, कभी भी गंदे बालों में कोई मास्क ना अप्लाई करें, कोई भी ऑयलिंग ना करें, कुछ ना करें, हमेशा शैम्पू करने के बाद ही जो भी चीजें हैं वो ट्राई करें। लेकिन अगर आप हफ्ते में 2-3 बार अलग अलग रेमेडी फॉलो कर रहे हैं तो आपके बालों को हो सकता है नुकसान, क्योंकि आपके बाल उसको समझ नहीं पाते हैं, और जब तक वो समझते हैं आप दूसरा चीज यूज करने लगते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज से बहुत बहुत दूर रहिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आपको अपने बालों का टाइप, टेक्सचर, डेंसिटी और पोरोसिटी जरूर पता होनी चाहिए। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले चेकआउट कर लीजिए, काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी कि आपको कौन सी चीजें यूज करनी चाहिए और किसकी बातों में आके आप कोई भी चीज यूज मत करिएगा। जब भी आप कुछ हेयर पे या स्किन पे लगा रहे हैं, हमेशा मैं बोलती हूँ कुछ पैच टेस्ट कर लीजिए। अगर आप हेयर पे भी कोई न्यू चीज लगा रहे हैं, शैम्पू या कंडीशनर, तो पहले उसका टेस्ट करिए। अगर आपको इरिटेशन की, उसको बिल्कुल भी यूज मत करिए, उसको छोड़ दीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा शौकीन हैं शैम्पू करने के, तो मैं बोल देती हूँ भाई हेयरफॉल तो आएगा ही आएगा आपके पास और आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आप शैम्पू यूज कर रहे हो और अगर आपको ऑफिस जाना है या कुछ भी जाना है, बाल बहुत ज्यादा गंदे होते रहते हैं, रोज ऑयली होते रहते हैं, तो आप माइल्ड शैम्पू यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने फिर बोला है किसी की बातों में नहीं आना है, हर एक का टेक्सचर डेंसिटी अलग होती है, टाइप अलग होता है, तो हो सकता है मेरे बालों में ये सूट करे और आपके बालों में ये सूट ना करे। तो प्लीज अगर आप खरीद रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं तो पहले अपने बालों को देखें, समझें, उसके बाद ही कोई भी प्रोडक्ट यूज करें, चाहिए वो चाहे कोई हो। लेकिन ये है सल्फेट, पैराबेंस और सिलिकॉन्स फ्री, तो ये मेरे बालों के लिए आई होप सेफ होगा। ये हो गई आज की वीडियो, आई होप ये हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर मैं कोई पॉइंट्स मिस कर गई हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं उसको कोशिश करूंगी कि उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूं। मेरी सीरीज आने वाली है जल्द ही, वर्क इन प्रोग्रेस है, स्किन से रिलेटेड, तो वो Part 1, Part 2, Part 3 इस तरह से आएगी। एक एक टॉपिक मैं उस वीडियो में कवर करूंगी, तो प्लीज उसको जाके जरूर देखना, वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जैसे मैंने हेयर के बारे में बताया था, वैसे ही सेम आपकी स्किन भी होती है, उसके बारे में आपको उस वीडियोस में बताऊंगी। चलो इस वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और लव यू सेल्फ।